आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। अच्छा बच्चों, अभी आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम दिए हैं, जिसमें से कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छे एग्जाम दिए हैं और कुछ के मार्क्स थोड़े कम आए हैं। तो बच्चों, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है घर में, जो मैम समझाती है वो अच्छे से करना है और अपने आप भी ढंग से घर में पढ़ना है। अब बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए आपने अभी से तैयारी अच्छे से करनी शुरू करनी है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ पांच लिंग करवाऊंगी। तो इसका मैं कुछ गृह कार्य भी आपको दूंगी, जो गृह कार्य आपने बड़े ही अच्छे ढंग से, आपको पता लग चुका होगा कि आपके आज तक जितने भी असाइनमेंट गए हैं उसमें आपको 20 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने नंबर 1 से लेकर नंबर 17 तक जो असाइनमेंट आपने नहीं भेजा है वो आपने पूरा करके भेजना है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 5 लिंक। अमीना के दादा दादी खाना खा रहे हैं। दादाजी को खाने में खिचड़ी पसंद है। दादी जी को खाने में सब्जियों वाला दलिया पसंद है। अमीना के पिताजी खाने में दाल चावल खाना पसंद करते हैं। अमीना की माता जी खाने में पुलाव खाना पसंद करती है। अमीना का भाई आजम खाने में राजमा चावल खाना पसंद करता है। ध्यान दीजिए, रंगीन शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं को लिंग के नाम से जाना जाता है। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री। इस पार्ट में लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब वह होता है कि जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति होने का ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे किसी का लड़का या लड़की होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, स्त्रीलिंग। बेटा बेटी, लड़का लड़की, चाचा चाची, मोर मोरनी, चूहा चूहिया, राजा रानी, धोबी धोबिन, पुत्र पुत्री, बूढ़ा बुढ़िया, भाई बहन, नायक नायिका, देवता देवी, गायक गायिका, बैल गाय, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, नर नारी, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथनी, बिलाव बिल्ली। ये कुछ बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, अब आपने इन्हें ध्यान से घर में एक बार पढ़ना है और पेज नंबर 26 में दिए गए ये कार्य अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक व्याकरण पुष्प में ही करना है। अब इसमें देखिए आपने क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर
उनके सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। अब कबूतर क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये आप बताएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कवि, मोरनी, चिड़िया, नारी, राजा, ऐसे ये है। नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द छांटिए। बच्चों ये जो शब्द दिए हुए हैं ग्रीन में, ग्रीन उसमें, तो इसमें से आपने स्त्रीलिंग शब्द इधर लिखने हैं और पुल्लिंग शब्द इधर लिखने हैं। अब ये नीचे थर्ड में आपने मैचिंग करना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। और फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन में आपने अपने परिवार के एक स्त्रीलिंग व एक पुल्लिंग सदस्य की फोटो चिपकाकर उनके नाम लिखने हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी स्त्रीलिंग, आपके घर में जो भी स्त्रीलिंग सदस्य है, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, उनका यहाँ पर फोटो लगाकर यहाँ पर नाम लिखिएगा। और यहाँ पर पुल्लिंग का, जैसे दादा है, पापा है, भैया है, ऐसे किसी का भी अपना पिक्चर यहाँ पर फोटो एक लगाकर और यहाँ पर एक नाम लिखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैंने आपको ये पार्ट 5 करवा दिया है अच्छे से। अब इसमें जो भी गृह कार्य मैं दूंगी वो आप अच्छे ढंग से करके भेजिएगा। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय।